हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? और यहाँ से बच्चे होंगे। सो गाइस, आज आपको मैं बताने वाला हूँ गाइस इन्फिनिक्स नोट 35G का भाई 1 मंथ रिव्यू गाइस BGMI के अंदर। तो गाइस हम देखेंगे गाइस, मतलब भाई जो गेमिंग वगैरह जो प्लेयर्स हैं वो गाइस हमारे भाई मतलब कैसे गेम खेल सकते हैं गाइस वाले फ़ोन के अंदर, गाइस आपको मैं रिव्यू बताने वाला हूँ। जाकर बात करूँ भाई इसमें गेमिंग के, तो गाइस मैं कहता भाई 40 FPS की भाई गेमिंग कर सकते हो, जैसे गाइस आप भाई सामने देख सकते हो। तो गाइस मैंने भाई अपने भाई गेम को भाई स्टार्ट कर लिया भाई, ठीक है। FPS मीटर गाइस आपके सामने भाई लगा दिया है भाई, ठीक है। तो गाइस में मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई मेजर प्रॉब्लम भाई देखने को मिली, जो गाइस आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब करना, आपको भाई इस वीडियो में मिलती रहेगी। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को हम करते हैं भाई सिंपली स्टार्ट। तो गाइस अगर भाई मैं सबसे पहले भाई गेमिंग की बात करूँ, तो इसमें गाइस आपको मिल जाता है गाइस MediaTek का भाई Dimensity 6080 का भाई प्रोसेसर, जो गाइस हमारा भाई 6 नैनोमीटर का भाई प्रोसेसर होने वाला है। अगर गाइस आप भाई इसमें गेमिंग करते हो तो गाइस आपको इसमें 40 FPS की भाई गेमिंग देखने को मिल जाती है, और भाई इसका जो भाई एंड टू स्कोर है वो गाइस हमारा भाई 42 लाख के भाई अंडर देखने को मिल जाता है। अगर गाइस आप देखो भाई, अगर भाई आप इसे नॉर्मल यूज़ के लिए खेलते हो, जैसे भाई अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते हो, तो गाइस इस फ़ोन को आप आराम से परचेज कर सकते हो, आपको भाई ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बट भाई जैसे भाई देखो, आपको मैं सामने भाई रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ भाई, जो भी दिखा रहा हूँ सामने देखो आप देख सकते हो। तो इस रिकॉर्डिंग में गाइस आपको भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा भाई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप भाई देखो भाई, जैसे देखो भाई मैं मैक्स FPS में, मतलब जो उसकी मैक्स रिकॉर्डिंग है सेटिंग पर, उसमें मैं खेल रहा हूँ, तो गाइस मुझे भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर देखो लैग वगैरह मतलब थोड़ा देखने को मिल रहा है। जैसे गाइस आपको भाई सामने दिख ही रहा होगा, थोड़ा बहुत मुझे भाई इसके FPS भाई ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं, जैसे गाइस आप भाई सामने देख ही सकते हो। अगर गाइस आप देखो नॉर्मल यूज़ के लिए खेलते हो, तो गाइस आपको उसमें ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलता। जैसे गाइस अगर मैं नॉर्मल खेलता हूँ, तो गाइस मुझे इतना ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलता, काफ़ी अच्छे से भाई गेम को संभाल लेता है। बट भाई ऐसा गाइस मैं रिकॉर्डिंग वगैरह में खेलता हूँ, तो गाइस मुझे भाई सबसे पहले की जो उसमें प्रॉब्लम लगती है वो गाइस मुझे भाई हीटिंग की लगती है। मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भाई ओवरहीट हो जाता है, जिस वजह से भाई फ़ोन ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा भाई चिपकने लग जाता है और भाई लैग होने लग जाता है। ये भाई मुझे प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। और अगर आप मैं दूसरी तरफ बात करूँ, तो उसमें गाइस आपको भाई 120Hz की भाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाते हैं, जो गाइस हमारा भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मतलब भाई स्क्रीन को चलाते हैं। बट भाई जैसे भाई इसमें गेम में खेलता हूँ, तो वहाँ पर गाइस मुझे भाई 60Hz से भाई देखने को मिलते हैं गाइस के रिफ्रेश रेट अपना भाई ऑटोमेटिकली भाई हो जाते हैं भाई, ठीक है। मतलब भाई जैसे कहते आप अगर भाई नॉर्मल अपने फ़ोन को भाई चला रहे हो, तो कैसे आप भाई 120Hz पर कैसे अपनी स्क्रीन को भाई रन कर सकते हो। बट भाई जैसे कहते आप अपने गेम को भाई ओपन करते हो, तो वहाँ पर कैसे आपको भाई 60Hz से भाई देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर मतलब जो आपकी स्क्रीन है भाई 60Hz पर भाई वर्क करेगी, 120Hz पर वर्क नहीं करेगी भाई, ठीक है। और कैसे अगर मैं बात करूँ भाई इसमें, देखो भाई जब भाई इसमें चार्जिंग देखने को मिलता है, वो कहते हमारे 45W का देखने को मिल जाता है, मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जर है इस फ़ोन का। यहाँ पर अगर आप भाई अपने फ़ोन को भाई 0% पर लगाओगे, तो कैसे आपके फ़ोन को भाई इन मिनट भाई 40 मिनट्स के अंदर कैसे आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा, जितना कैसे मुझे भाई एक्सपीरियंस देखने को मिला है इस फ़ोन के अंदर। और भाई बैटरी की बात करूँ, तो भाई बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, कैसे आप आराम से भाई 5 घंटे तक भाई गेमिंग कर सकते हो, उसके बाद कैसे आपका फ़ोन भाई स्विच ऑफ हो जाएगा। मतलब भाई 5 घंटे तक आप भाई बिना रुके खेल सकते हो, आपको भाई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर गाइस आप भाई रिकॉर्डिंग के अंदर खेलते हो, तो गाइस वहाँ पर गाइस आप 3 घंटे तक खेल सकते हो, क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा भाई इसकी जल्दी बैटरी भाई ड्रेन हो जाती है, जिस वजह से गाइस आपके भाई जो फ़ोन है भाई काफ़ी जल्दी भाई स्विच ऑफ हो जाता है भाई, ठीक है। तो गाइस ये भी मुझे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ, तो भाई रिकॉर्डिंग में देखो आप भाई सामने देख सकते हो, तो भाई हमारा भी काफ़ी हद तक भाई फ़ोन भाई ठीक ही चल रहा है। बट भाई जैसे कैसे अगर आप रिकॉर्डिंग में भाई 2 से 3 मैच अगर भाई लगातार खेलते हो, तो कैसे आपको भाई थोड़ी देर में भाई जो बैटरी भाई काफ़ी जल्दी भाई ड्रेन देखने को मिल जाती है। वैसे तो कहीं मैं नॉर्मली यूज़ में करता हूँ उस फ़ोन को, भाई मुझे ज़्यादा दिक्कत देखने को भी नहीं मिलती। बट भाई जो रिकॉर्डिंग है उसमें आपको भाई थोड़ी बहुत भाई मेजर भाई प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगर आप भाई रिकॉर्डिंग वगैरह में खेलोगे, तो गाइस आपको भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर लैग देखने को मिल सकता है। और हाँ गाइस, उसके साथ गाइस आपको उसमें भाई ओवर हीटिंग भी देखने को मिल सकती है। कैमरे के साइड से भी आपका भाई फ़ोन हीट हो सकता है, और भाई बैक साइड से भी आपका फ़ोन भाई काफ़ी ज़्यादा भाई हीट हो सकता है भाई, ठीक है। अगर गाइस आप रिकॉर्डिंग में खेलते हो, तो गाइस आपको हीटिंग प्रॉब्लम भाई तो इसकी मेजर है भाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए भाई जो हीटिंग है भाई इसकी ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। वैसे कहते अगर मैं बात करूँ भाई, और भाई हीटिंग के साथ कहते आपकी भाई बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो सकती है भाई, ठीक है। ये भी भाई मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। बाकी भाई 1 मंथ के बाद अगर मैं बात करूँ भाई इस फ़ोन के अंदर, भाई मुझे ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला। वैसे भाई फॉर्मल भाई नॉर्मल यूज में भाई अच्छा चल रहा है भाई, ठीक है। बाकी तो भाई आप गेम पे भाई सामने देख ही सकते हो, अगर इसमें इवेंट वाला भाई गेम खेल रहा हूँ, और भाई मेरे सामने एक बंदा है, देखते हैं भाई क्या पता भाई जो मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे। तो देख सकते हो गाइस, तो यहाँ पर गाइस ये बंदा भाई मुझे पेल देता है भाई, पता नहीं भाई क्यों नहीं पता भाई मैंने से इतने ज़्यादा डैमेज दी, उसके बाद भी मर जाते हैं। थोड़ी बहुत भाई मेरी पिंग भाई ऊपर नीचे रहती है, कि भाई वाईफाई में खेलता हूँ, तो इसलिए पता नहीं क्या होता है भाई, कभी कभी भाई पिंग अच्छे से नहीं देता भाई वाईफाई, इसलिए भाई मर जाते हैं वहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद भाई यहाँ पर गए हमें भाई बग्गी मिल जाती है। भाई 15 बंदे रह चुके हैं, भाई 5 बंदे भाई बंदे मार दिए हैं। तो यहाँ पर गए हम निकलते हैं गए अपने जोन के लिए। तो गए मुझे सामने यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर मुझे भाई बग देखने को मिले, मतलब थोड़ा बहुत मेरा फ़ोन भाई अटका आपको भी दिखा होगा। तो भाई सामने भाई से थोड़े बहुत डैमेज देते हैं भाई मोशन ट्रैक वाले बंदे को। उसके बाद भाई यहाँ से भाई जोन की तरफ निकलते हैं भाई, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो भाई यहाँ पर गए हम भाई एंड जोन की तरफ भाई जाने वाले हैं। और भाई हमें थोड़े बहुत यहाँ पर भाई लैग वगैरह देखने को मिल रहा है भाई इस डिवाइस के अंदर, जैसे आप भाई सामने देख ही सकते हो। बाकी भाई यहाँ पर भाई थोड़े बहुत बंदे बच चुके हैं यहाँ पर भाई पीछे से मुझे भाई फायर आया। तो भाई मैं पीछे देख रहा हूँ, मुझे कोई बंदा दिखता है, देखो सामने आपको दिख गया होगा। तो भाई फटाफट से भाई हम फिनिश कर देते हैं। तो भाई फिनिश करने के बाद भाई यहाँ से मैं भाई जोन की तरफ निकलता हूँ कि भाई जोन भाई काफ़ी ज़्यादा भाई डैमेज देने वाला है, इसलिए भाई मैं यहाँ से फटाफट निकल लेता हूँ। तो वैसे मुझे भाई जब मैं जोन में जा रहा हूँ तो वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई बंदे भाई मारने लगते हैं। तो भाई फटाफट से मैं जाके वहाँ पर गाड़ी ठोक देता हूँ। और भाई हम थोड़े बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पर गए, देखो भाई यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है। यहाँ पर जो भाई मेन बिल्डिंग है वहाँ पर भाई बंदे भाई स्नाइपर वगैरह लेके बैठे। तो फटाफट से गए उनमें एक से एक आधे बंदे को भाई नॉक करके वहाँ पर रश मारने का भाई मेरा प्लान था, बट भाई यहाँ पर भाई कुछ अलग ही भाई सीन हो जाता है।